बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नहीं हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे के पी पी एस सी जो है कमीशन के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी वेबसाइट के थ्रू जो है लेक्चरर की जॉब्स आई हुई हैं जिसकी लास्ट डेट है 28th of May 2021। गूगल पे आप सिंपल लिखेंगे के पी पी एस सी तो इनकी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग शो भी कर रहे थे तो जब तक ओपन हो रहा है ये वेबसाइट। अच्छा, जब आपके पास ये वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी, मैं उधर ओपन भी किया हुआ है, ये गूगल आ गया, के पी पी एस सी लिखेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट लिंक, ये एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर लें या इस पर क्लिक कर लें। एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे, इसकी 5 और 6 दो एडवर्टीजमेंट है। 5 पे ले जाएगा, 5 की जो है ना वो प्लानिंग से रिलेटेड है जॉब जो है, लेकिन जो दूसरी है वो लेक्चर के बारे में। हम लोग एडवर्टीजमेंट नंबर 6 पे क्लिक जो है ना वो डिस्कस करेंगे। और इसका तरीक़ाकार अगर किसी को अप्लाई करने का ना पता हो, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर लें। ऑनलाइन अकाउंट है, अगर एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करनी है यहाँ से भी हो सकती है और इधर भी ऑप्शन होगा कहीं पर, यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट वगैरह इसकी। मैं चेक कर लेता हूँ अगर यहाँ से कोई ऑप्शन हुआ तो। ये ऑप्शन है, बहरहाल जो है ना डाउनलोड की ज़रूरत पड़ी तो आप लोग जो है ना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट को। खैर, अब नेक्स्ट जो है वो जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं कौन कौन सी इसमें। इसमें लेक्चरर की डिफरेंट जो है वो जॉब्स आई हुई हैं। वो अब यहाँ पे देखें, ये आ गया जी, यहाँ पे आप लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड हो गए, जॉब्स आ जाएंगे। जितने भी है लिस्ट, सारे जॉब जो पहले भी आई हुई थी उनकी लिस्ट आ गई, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड हो गया आ जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो क्या है यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेल लेक्चरर इन बॉटनी, अब सेकंड क्लास इनकी रिक्वायरमेंट दी गई है, एज दी गई है और ये डिपार्टमेंट हायर और कॉमर्स एजुकेशन अचीव एंड लाइब्रेरी डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, जो मतलब बॉटनी है, मेल की ये सीट है, बॉटनी है तो बॉटनी से रिलेटेड जो है वो मास्टर होना चाहिए या फिर जो है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और थर्ड क्लास मास्टर डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंग्लिश। ये रिक्वायरमेंट इन लोगों ने फ्रॉम अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी। इसमें जेंडर मेल अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक पे स्केल लेक्चरर का 17 होता है और डिपार्टमेंट मैंने पहले बता दिया सॉरी। उसके बाद इन्फो मैथ की है, ये भी रेलिवेंट सब्जेक्ट है, रेलिवेंट सब्जेक्ट नहीं है तो उसी तरह से इंग्लिश का ये दिया गया है वो उसमें हो जाएगा। उसके बाद ये कंप्यूटर साइंस की, इसमें भी मेल ही है तो इसमें भी जितना भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, तो उसमें उसी डिग्री से रिलेटेड आपका मास्टर हो या इन लोगों ने लिखा हुआ है थर्ड क्लास मास्टर डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट, ये या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या ये लिखा हुआ है। लेकिन मैं तो जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ही कहूँगा क्योंकि मोस्टली प्रेफर तो उसी को करेंगे। केमिस्ट्री है, ये भी मेल के लिए, बाकी रिक्वायरमेंट सेम होगी। इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंग्लिश है, इन्वायरमेंटल साइंस है, बाकी सारी चीज़ें इनमें सेम ही होगी उसी तरह से। बस ये है कि सब्जेक्ट जो है, जो जो सब्जेक्ट है उसमें उस पर्सन का मास्टर होना चाहिए। देन जो है
जेंडर स्टडी आ गया, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल रिलेशन आ गया, ये सारी मेल के लिए, और इस्लामिक स्टडी है, मैनेजमेंट साइंस है, मैथ आ गया, माइक्रोबायोलॉजी, पश्तो पाक स्टडी, और फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस भी जिसको बोलते हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उसके बाद स्टेट आ गया, स्टैटिस्टिक आ गया, जूलॉजी आ गई, जियोलॉजी नहीं सॉरी जियोग्राफी, उर्दू, बॉटनी, और इसके अलावा केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस, फिर अब आगे यहाँ से फीमेल के लिए स्टार्ट हो रही है, यहाँ से बॉटनी, इनके लिए भी रिक्वायरमेंट सेम ही है, सारी चीज़ें सेम होगी, सिर्फ सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट डिफरेंट हो रहा है तो जस्ट सब्जेक्ट का डिफरेंस होगा, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, उसके अलावा इंग्लिश है, फूड साइंस है, जियोग्राफी है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, हिस्ट्री आ गया, फिर हमें इकोनॉमिक्स आ गया, इस्लामिक स्टडी है, मैनेजमेंट साइंस है, मैथ है, माइक्रो बायोलॉजी, पार्क स्टडी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक, उर्दू और जूलॉजी। अब इसके अलावा आगे जो है टोटल सीट जो है मेल लेक्चरर 983, 983 पोस्ट फॉर जनरल कोटा, जो 983 है वो मेल के लिए, और फीमेल के लिए अब डिफरेंट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं इस तरह से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बॉटनी के लिए 12 ओपन मेरिट है, 8 जोन 1 में है, जोन 2 में 9 है, जोन 3 में 8 है, जोन 4 में 6 है, जोन 5 में 6, ये इनमें जोन है डिफरेंट, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने जोन यहाँ से। बायोकेमिस्ट्री के लिए 1 जोन 2 में, 1 जोन 3 में। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें 24 जो है मेरिट पे है, 15 है 15 जोन 1, 16 जोन 2, जोन 3 में 16 है और जोन 4 में 12 है। ये आप यहाँ से अपने जो है डिफरेंट पोस्टेज वीडियो से चेक कर सकते हैं कंप्यूटर से। इसी तरह केमिस्ट्री की 23 है और आगे मजीद इन लोगों ने कैटेगराइज, टोटल इसकी 93 है। इसी तरह दूसरी जो है सीट्स हैं वो इन्होंने डिफरेंट वे से जो है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके जोन आपका कौन सा, आपको पता होना चाहिए जोन से, फिर आप लोग चेक कर सकते हैं आपके सब्जेक्ट में कितनी सीट है। ये मेल के लिए डिफरेंट कैटेगरीज वाइज दिए गई, यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम सॉरी शॉर्ट है, इसलिए मैं जो है ना सारी चीज़ें जो है वो डिटेल से नहीं डिस्कस कर रहा, तो आप लोग यहाँ से अगर किसी को भी कन्फ्यूजन होगी तो वो काइंडली कमेंट में ज़रूर आगा करें। तो अब यहाँ पे इसी तरह सका ये सारे सब्जेक्ट वाइज दी गई हैं, यहाँ से जोन वगैरह आपने चेक कर सकते हैं। उसके बाद मेल लेक्चर 53 पोस्ट फॉर माइनॉरिटी कोटा, ये जो थी जनरल कोटा के लिए थी 983, और ये जो है माइनॉरिटी कोटा के लिए, ये ऑलमोस्ट मेरिट पे ही है सारी, 4 4 4, 1 6 6 6, फिर 1 1 3 3 1, ये इस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट। और अब आगे मेल लेक्चरर 21 जो है वो डिसेबल जो मजदूर अफराद है उनके लिए एक ही पोस्ट हैं, ये एक एक या तकरीबन इंग्लिश की 3 है, बाकी पाक स्टडी की 2 है, फिजिक्स की 2 है और उर्दू की 2 जवाल हो जाएगी इस तरह। तो जोन में नहीं, वो मेरिट पे ही है। अब फीमेल की जो है 784 है, 784 है। अब इसकी मेरिट पे बॉटनी 22 है, जोन 1 15, जोन 2 15, फिर जोन 3 15, जोन 4 11 है, जोन 5 जो है वो 10, टोटल 88 होगी। इस तरह केमिस्ट्री की 25 मेरिट, जोन 1 17, जोन 2 16, जोन 3 16 और जोन 4 जो है 12 है, जोन 5 13 और टोटल 99। इस तरह आप यहाँ से अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं, उसके मुताबिक आप लोग यहाँ से सीट चेक कर सकते हैं कि आपके जोन में मेरिट में कितनी सीट है और सब्जेक्ट कौन सा है, आप लोग यहाँ से सब्जेक्ट अपना चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो 42 सीट है माइनॉरिटी के लिए, जो गैर मुस्लिम है फीमेल उनके लिए ये
42 सीट है, ये डिफरेंट यहाँ पे सब्जेक्ट के मुताबिक दी गई हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह आगे आ गया फीमेल लेक्चर 17 पोस्ट या 17 सीट, जो डिसेबल हैं, जो मजदूर खवातीन हैं उनके लिए ये एक एक दो दो सीट दी गई हैं। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट में ज़रूर आगा करें। मज़ीद जो है यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन अकाउंट और ये वीडियो है हाउ टू अप्लाई, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो यहाँ से वॉच वीडियो एड एजुकेशन एड एक्सपीरियंस किस तरह से जो है वो करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन डिपॉजिट स्लिप जो है वो आप इजी पैसा अगर आपका अपना अकाउंट है वहाँ से आप पे कर सकते हैं 500 फीस है इसकी। और इम्पोर्टेंट डिपॉजिट फी ऑन ईयर सी एन आई सी के अकॉर्डिंग ये डिपॉजिट होगी। डिपॉजिट फी ओनली विद इजी पैसा आर जैज कैश पेमेंट थ्रू अदर मेथड लाइक ATM, IV आर कॉल सेंटर, वेब, POS, कैश डिपॉजिट मशीन, CDM, मोबाइल ऐप शैल नॉट बी वेरीफाइड। अच्छा एक और चीज़ थी यहाँ पे, ये मैंने वीडियो पे पहले भी बताया हुआ था कि किस तरह से आप लोगों ने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद अगर पहले से बना हुआ है तो साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होगी वो आप लोग उसको उसी तरह से फिल करते जाएंगे। अपडेट प्रोफाइल, अगर आप अपने प्रोफाइल नहीं बनाई तो उसको आप लोग यहाँ से ये वीडियोस दी गई हुई हैं या अप्लाई करने के लिए वीडियो दी गई हैं, ये यूट्यूब का लिंक होगा, आप लोग इसको डायरेक्टली जो है अभी ओपन नहीं हो रहा तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट में ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।